हेलो, कैसे हो स्टूडेंट्स? आज के इस क्लास में ये लेक्चर नंबर 5 है और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने पढ़ा था उसके साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो आइए आज बिना समय व्यतीत किए इसको सीखते हैं। ये साइन कन्वेंशन क्या है? पिछले दिन हालांकि हमने थोड़ी सी बात बताई थी साइन कन्वेंशन के बारे में, आज फिर से थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं सो दैट कि आपको रिकॉल हो जाए, और उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं और उसके कंसर्न न्यूमेरिकल वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो साइन कन्वेंशन के बारे में यहाँ पे हमने छोड़ा था कि कनकेव और कन्वेक्स में किसको पॉजिटिव लेंगे और किसको निगेटिव लेंगे, इसके लिए एक रूल है। ये बताया था कि कनकेव मिरर में जब रियल इमेज फॉर्म हो तो यू निगेटिव होता है, वी निगेटिव होता है, एफ निगेटिव होता है, तीनों ही निगेटिव होते हैं, और जब वर्चुअल इमेज बनता है तो सिर्फ वी पॉजिटिव होता है, यू और एफ निगेटिव ही होते हैं। जब बात कन्वेक्स मिरर की होगी तो इसमें वी जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एफ भी पॉजिटिव होगा, यू निगेटिव होगा। यू निगेटिव हमेशा क्यों होता है? यू निगेटिव हमेशा इसलिए होता है कि जब भी हम कोई इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, एंड देयरफॉर चाहे हम कनकेव लें या कन्वेक्स लें, कोई भी लें, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट मिरर का होता है। तो मिरर के लेफ्ट होने की वजह से ये यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के लिए निगेटिव डिस्टेंस लेना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको अगर कर दिया, कनकेव की ही बात कर ली, तो ये कनकेव में यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और हमने आपको थ्योरी बता रखी है कि यहाँ पर पोल से अगर इधर की ओर डिस्टेंस मेजर किया जाए इन दिस डायरेक्शन, पोल की से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाए तो लिया जाएगा क्या? निगेटिव। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट लिया जाएगा निगेटिव, और इस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर किया जाए तो ये होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। यानी सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, ऑल डिस्टेंस आर, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, पोल से ही मेजर किया जाता है। तो लेफ्ट टू द पोल इज निगेटिव, द डिस्टेंस मेजर्ड मेजर्ड लेफ्ट टू द पोल इज निगेटिव, लेफ्ट टू द पोल इज निगेटिव, इज निगेटिव, एंड राइट टू द पोल इज पॉजिटिव, राइट टू द पोल इज निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये होता है डिस्टेंस लेफ्ट मिरर के निगेटिव, मतलब लाइट अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है मान लीजिए, तो इस ऑब्जेक्ट से एक कैंडल ही मान लेते हैं कुछ इस तरह का, तो यहाँ से जो लाइट जाती है, लाइट यहीं से रिलीज होकर के मिरर पे जाएंगी, लाइट यहाँ से रिलीज होकर के जो जाता है, यानी इस तरह का जो लाइट इधर से जाएगा तो ये लाइट इसमें मिरर पे पड़ेगा, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाए तो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाए तो निगेटिव। एक और चीज कि अगर डिस्टेंस मेजर करना है अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है y एक्सिस के अलोंग, तो ये इधर की ओर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर इसको अलोंग बिलो द y x एक्सिस लिया जाए, यानी y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर डिस्टेंस लिया जाएगा नेगेटिव। तो ये y एक्सिस है, इधर की तरफ y एक्सिस है, इधर की तरफ x एक्सिस है। अगर नोटिफिकेशन की बात कर लें, नोटेशन की, तो ऐसे कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो इसके अलोंग अगर है ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग, और जैसा कि याद रखने के लिए सुविधाजनक होगा
कि एक समय इधर हम क्या करते हैं, पोल को ओरिजिन मान लेंगे, वो यहाँ पे है पोल। तो पोल को अगर ओरिजिन मान लें तो यहाँ पे पोल से इधर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इधर पॉजिटिव होता है, और ऊपर वाई एक्सिस के अलोंग है तो निगेटिव। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा। लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, ऑफ लाइट पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट निगेटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ लाइट निगेटिव। ये होता है। अब ऑब्जेक्ट हमेशा अगर यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो ये मिरर के हमेशा लेफ्ट में रहेगा, इसलिए यू जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, अलवेज अलवेज निगेटिव होगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, यू जो होगा वो मिरर के हमेशा लेफ्ट में ही रखी जाती है, इसलिए यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से यहाँ तक का, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है पोल से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस को कहेंगे यू, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे यू, ये डिस्टेंस कहलाता है यू। ठीक है, ये यू कहलाता है। अब इसमें इमेज अगर कहीं बनता है तो वहां तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वी। तो अगर भी इमेज भी इधर ही बन रहा है तो वो भी क्या होगा, वो भी होगा निगेटिव, और अगर इधर इमेज बन रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। फोकस इधर है कनकेव का तो इसलिए निगेटिव होता है, और फोकस इधर है कन्वेक्स का इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गई होगी कि फोकस, चूंकि इसका कनकेव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का फोकस क्या है, फोकस इसका इधर है, तो ऐसी स्थिति में इसका ये इसका मिरर है, और मिरर में इधर की ओर अगर है तो फोकस इसका इधर है, सो इट विल बी पॉजिटिव। ये कन्वेक्स मिरर की पोजीशन है, और कन्वेक्स मिरर में फोकस इधर होता है, ठीक है, इसलिए फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ से ये पोल है तो फोकस इधर की ओर होता है इसलिए पॉजिटिव, इमेज भी फोकस से पहले ही होता है यहाँ पे होता है तो इसलिए भी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ से ये फोकस है, फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, वी के ऑब्जेक्ट के इमेज यहाँ पे बनता है तो इमेज के डिस्टेंस को वी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट भी इधर होता है इसलिए इसको कहेंगे यू, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ है इसलिए इस डिस्टेंस को कहेंगे यू। इसी तरह से यहाँ पर अगर कन्वेक्स लेंस की बात, कनकेव लेंस की बात की जाए तो कनकेव लेंस कैसा होगा, तो कनकेव लेंस आपका ऐसा होगा। अब इस कनकेव लेंस में क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर होता है पोल, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस से पहले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फोकस से पहले तो यहाँ पर इमेज बनता है आपका ऐसे, जो जाता है वो इधर से होकर के जाता है, और जो सी से होकर के जाता है लाइट वो इधर की ओर जाता है, दोनों इधर की ओर जा करके क्या होता है, मिलते हैं, तो ये जो इमेज बनता है वो इधर बनता है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, आई फॉर इमेज। तो यहाँ से डिस्टेंस, चूंकि पोल से मेजर करना है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से, तो पोल से मेजर करना है यहाँ से, तो यहाँ से इमेज का डिस्टेंस होगा वी, है ना, और यहाँ पे फोकस होता है इसका, तो ये फोकस इधर क्या हो गया, फोकस निगेटिव हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ निगेटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ है तो इसलिए यू भी क्या होगा, निगेटिव। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर इमेज इधर ही बनता है तो यू भी निगेटिव, वी भी निगेटिव, और एफ भी निगेटिव, सब होता है क्योंकि इधर ही इमेज बनता है, ये ए बी है तो इसका ए डैश बी डैश इमेज बनता है इसलिए ऐसा। ठीक है, तो अब इसका एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले का आपको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। उससे पहले एक बात और बताना चाहेंगे कि F इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, यानी एक है ये F इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, दैट इज फोकल लेंथ ए
इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का आधा होता है फोकस, ठीक है, ये एग्जैक्टली हाफ होता है। क्यों होता है, जानना चाहेंगे क्यों होता है? वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, बट आप जान सकते हैं कि क्यों होता है। आइए एक इमेज के जरिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक कनकेव लेंस बनाऊं मैं, और ये कनकेव लेंस है हमारा, ठीक है, ये कनकेव लेंस लिया हमने, और इस कनकेव लेंस में ये कनकेव है P, और ये कनकेव लेंस हमने बनाया, और कनकेव लेंस में ये है पोल, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये है हमारा F। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को F कहेंगे, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस तक की, पोल से फोकस की बीच की दूरी F होता है। F होता है फोकल लेंथ, कहां से कहां तक, तो डिस्टेंस बिटवीन P टू F, PF, एंड R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होता है, P से C के बीच का डिस्टेंस, P से C के बीच का डिस्टेंस, तो ये होता है। अब अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो इमेज बनाता है, यहां से अगर कोई, अब हम ले लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने ले लिया यहां से, और ऑब्जेक्ट जो है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता ही जाता है ना, तो ये एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, और ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद किधर से होकर के जाता है, ये फोकस से होकर के जाता है, तो ये फोकस से होकर के जाएगा, और फोकस से होकर के जाता है, क्यों जाता है फोकस से होकर के जाता है, क्यों, ये फोकस से होकर के जाता है क्योंकि इसमें जो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही, यहां से अगर हम कहें तो ये नॉर्मल ऑफ जो है, तो ये है, ये आप देखें कि ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है, इसके साथ जो एंगल बनाता है वो कितना बनाएगा, तो इंसिडेंट रे इसके साथ बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाता है, आर, ये आर बनाता है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, लेकिन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है इंसिडेंट रे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई होगा, बोलो अल्टरनेट एंगल है ना। अब देखो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ध्यान से देखिए, ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, और आई बराबर आर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और आपने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसके सामने के अपोजिट साइड, इसको हम मान लेते हैं इसको एम, एम मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो ये एफ एम जो होगा और सी एफ जो होगा ये दोनों बराबर होगा, एम एफ इज इक्वल टू सी एफ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बताइए। अच्छा अब एम तो हमने पैरल लिया है, पैरल लाइन तो कोई भी हो सकता है, तो एम अगर बहुत करीब हो, मान लीजिए कि ये पैरल लाइन हमने यहाँ पे लिया, तो ये एम, ये एफ से एम की दूरी और एफ से पी की दूरी क्या होगा, लगभग लगभग बराबर होगा, सो इफ एम इज वेरी क्लोज्ड, वेरी क्लोज, ये सबके लिए सही है ना, इसलिए कहें वेरी क्लोज टू पी, देन एम एफ इज इक्विवेलेंट टू पी एफ है ना, तो पी एफ इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि PF इज इक्वल टू CF, फर्स्ट एंड सेकेंड PF इज इक्वल टू CF। नाउ PC इज इक्वल टू, व्हाट इज PC? R इज इक्वल टू PC, यहां से देखें और PC को क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF, और PF को क्या लिख सकते हैं, CF को क्या लिख सकते हैं, PF या थर्ड से। तो ये हो गया PF जोड़ PF और कितना हो गया, 2 PF, 2 PF हो गया, है ना, 2 PF, और PF क्या है यहाँ पे, F है, तो ये हो गया 2F, तो ये हो गया 2F, और इधर क्या था, R, इसलिए R इज इक्वल टू F, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ही निगेटिव है, R भी निगेटिव है, तो PF इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, PC इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस आर, और PF इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस एफ, तो इसलिए ये हो गया माइनस आर, और इधर हो गया ये माइनस 2F, यानी माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2F, इसलिए आर इज इक्वल टू 2F और एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। ये एक बेसिक थ्योरी है कि फोकस हमेशा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, फोकस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, ये भी प्रूफ तो सिलेबस में नहीं है, मिरर फॉर्मूला, ये प्रूफ आपको 12th में कराया जाएगा। ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पे सिंबल्स हैज देयर यूजुअल मीनिंग, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, यूजुअल मीनिंग, सिंबल साइज देयर यूजुअल मीनिंग। वी क्या है इसमें, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसका प्रूफ तो सिलेबस में नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो प्रूफ मैं बता दूंगा, लेकिन प्रूफ सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, ज्यादा कुछ बिना से आउट ऑफ सिलेबस करने से फायदा नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं था, हमने समझने के लिए, क्योंकि जरूरी है, ये हमेशा R/2 के से कम क्यों, आधा क्यों होता है, इसलिए हमने इसको बता दिया। तो ये चीज तो दिमाग में आपको रखना चाहिए, ठीक है ना, कि F इज इक्वल टू R/2, लेकिन फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला कैसे हुआ ये जानने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, अभी ये 12th में बताया जाएगा, 12th में सेम है, तो 12th में बताया जाएगा ये कि f इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है मिरर फार्मूला। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और शब्द है जिसकी चर्चा हमें करना जरूरी है, और वो क्या है, वो है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है वो जरा समझते हैं, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड, ये क्या करता है, ये इमेज किस तरह का बनेगा रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट उसके बारे में बताता है। तो मैग्निफिकेशन डील विद, मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज डील विद द साइज एंड शेप ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, राइट ना। तो इसलिए मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, टू वे से डिफाइन कर सकते हैं, दो तीन तरीके से, मैग्निफिकेशन ऑफ, मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, height of an image to the height of an object. Image to the height of an object. So M is usually denoted by L. It
इट इज डिनोटेड बाई एम, यूजुअली डिनोटेड बाई एम. सो एच आई अपॉन एच ओ, वेयर एम इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन. एच आई इज हाइट ऑफ, एच आई इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ एन इमेज. एंड एच ओ इज हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट. तो हाइट ऑफ एन इमेज एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट एम मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन इस तरीके से डिफाइन होता है. हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव. रिमेंबर अभी ये बताया हुआ हमने, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एज पॉजिटिव, एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव. ठीक है. सो इफ रियल इमेज बनता है तो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है. तो इन्वर्टेड होता है और इमेज की ये हाइट जो होगा पॉजिटिव होगा, और इमेज की जो है वो निगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट की होगा पॉजिटिव. तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, निगेटिव. तो इसका मतलब है कि वेन एवर निगेटिव मैग्निफिकेशन कम्स, इफ एम इज निगेटिव, दिस इंप्लॉय रियल इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज इज फॉर्म. ठीक है. अच्छा, वर्चुअल इमेज बनता है तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो. तो दोनों ही, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव. सो व्हेन एम इज पॉजिटिव, इट मींस इमेज इज वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म. ठीक है. तो ये दो बातें आपको और याद रखनी चाहिए. मैग्निफिकेशन इस तरह से भी डिफाइन होता है. मैग्निफिकेशन डिस्टेंस के टर्म्स में ऑफ एन इमेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो डिस्टेंस ऑफ एन इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज एम इज इक्वल टू माइनस वी वाई यू. ये होता है. यहां पर भी अगर क्या हो कि यू तो निगेटिव हमेशा होता है, अगर रियल इमेज बनता है तो वी भी क्या होता है, निगेटिव होता है. और दोनों निगेटिव निगेटिव होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तब ये निगेटिव आएगा एम. इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है ना. तो रियल इमेज तभी बनेगा जब एम क्या होगा, निगेटिव. और वर्चुअल इमेज तब बनेगा जहां क्या होगा, एम पॉजिटिव. वेयर वी इज डिस्टेंस ऑफ एन इमेज एंड यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये बात दिमाग में रखना है आपको. अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि इमेज जो है, इमेज इज बिगर देन, बिगर देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर एम एक से छोटा है तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. और अगर एम वन के बराबर है तो इमेज इज एज इक्वल एज एन ऑब्जेक्ट. तो ये तीन केसेज हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड. ये चीजें आप नोट कर लीजिए और ये सारी चीजें एक बार फिर से मैं आपके लिए बता देता हूँ. मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, ये क्या किसके बारे में डील करता है, इट डील विद द साइज ऑफ, साइज एंड शेप ऑफ एन इमेज व्हिच इज विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट. ठीक है.
तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है मैग्निफिकेशन का पूरा हमारा डेफिनेशन। याद ये रखना है कि मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव कब लेना है ये बात दिमाग में आपको रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव और नीचे हो तो निगेटिव। अच्छा, दूसरा चीज आपको और क्या ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि मैग्निफिकेशन जो है वो डिफाइंड होता है रेशियो से। ठीक है, और तीसरा ये कि अगर ये निगेटिव है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इसका मतलब है कि रियल इमेज बन रहा है, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि निगेटिव है तो रियल और पॉजिटिव है तो वर्चुअल। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि जब निगेटिव साइन फाइनली आएगा तो इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है, और जब पॉजिटिव साइन आएगा तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये सारी बातें आपको जानकारी के रूप में मिल जाएगी। एम जब एक से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। एम जब एक से छोटा होगा तो इसका मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा बन रहा है, और एम जब वन के बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, और एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि मान लीजिए कि पहला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 मीटर अवे और 15 मीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, सॉरी मिरर, कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 मीटर, What will be the size and distance of image? ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहां पे देखना है कि पहला चीज क्या है कि ये मिरर जो है वो क्या है, कन्वेक्स, और कन्वेक्स मिरर में यू वी एफ सब क्या होते हैं, U तो निगेटिव होता है बट E और F क्या होते हैं, पॉजिटिव। और ये लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, फ्रॉम मिरर इसका मतलब है फ्रॉम पोल। तो U जो है दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, 15 मीटर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि U जो है वो कितना है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लेते हैं, यू क्या है यहाँ पे 15 मीटर, लेकिन यू होता क्या है, निगेटिव, तो -15 मीटर ये लिख सकते हैं। फोकल लेंथ क्या है, 10 मीटर, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, और हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, वी क्या होगा, है ना, ये हमें पता करना है कि वी क्या होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी निकालना है तो हम लिख देंगे 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, और एफ क्या है, 10, 1 बाई 10 माइनस 1 बाई माइनस 15, 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15, एलसीएम कितना हो गया, 30, 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 बाई 30, 1 बाई वी इज इक्वल टू 5 बाई 30, 5 बाई 30 मीन्स 1 बाई 6, तो वी कितना हो गया, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 6, इसका मतलब हुआ कि वी कितना हो गया, 6। पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कि इमेज जो बन रहा है वो किधर बन रहा है, पोल के, मिरर के राइट साइड में बन रहा है, द इमेज
डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 6 मीटर राइट टू द मिरर, मिरर के राइट में बन रहा है ना कि लेफ्ट में, लेफ्ट में बन रहा होता तो क्या आता, निगेटिव। और आपको पता है कि कन्वेक्स में हमेशा राइट में ही बनता है, तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि फॉर्मूला से भी प्रूव हो गया। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे हमें हाइट नहीं दिया हुआ, सिर्फ डिस्टेंस डिस्टेंस पता है, तो हम मैग्निफिकेशन डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू, सो दिस इम्प्लॉई एम इज इक्वल टू वी, कितना है बताएं, वी आया हमारा 6 और यू कितना है -15। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 3 से काटेंगे तो 2/5 है ना, 3 से कैंसिल काटेंगे 2/5, इसका मतलब हुआ 1 से कम है, 0.4 हो गया। मैग्निफिकेशन 0.4 होने का मतलब है कि 1 से कम है, तो इमेज क्या होगा, दैट इज साइज ऑफ इमेज इज 2/5 ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द साइज ऑफ इमेज इमेज इज 2/5 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये, तो आइए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऐसा लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। चाहे ऐसे भी लिखा जाता है कि एट व्हाट डिस्टेंस द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड सो दैट देयर विल बी अ शार्प इमेज, ऐसा भी लिखा जाता है क्वेश्चन यूजुअली, उसमें कोई नई बात नहीं है, अल्टीमेटली पूछ कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये आप देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी गई है, ऑब्जेक्ट की क्या दी गई है, हाइट, तो हाइट भी दी गई है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी गई है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो इन दोनों चीजों को दिमाग में रखना है। और फिर क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, तो तीन इंफॉर्मेशन दी गई है, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे पहले दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं कि एच आई हाइट ऑफ एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, यू आई दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ, या यू सिंपली लिख सकते हैं, यू जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा होता है, इसलिए क्या होगा ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव है ना, और ये डिस्टेंस यू हो गया नेगेटिव। फोकल लेंथ ये है कनकेव मिरर, ध्यान रहे, और कनकेव मिरर में फोकस क्या होता है, नेगेटिव, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और ये क्या होगा, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का होता है नेगेटिव, कितना है जी, तो 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब हमें निकालना है फॉर्मूले से क्या v, तो v निकालने के लिए क्या करोगे, वही फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, दिस इंप्लॉय, अब यहाँ v क्या है पता नहीं, लेकिन u क्या है, u है माइनस प्लस माइनस प्लस 1/-20 ऐसा, और f क्या है -1/50, अब ये -20 उधर जाके क्या हो जाएगा +20, तो 1/v = 1/20 -1/50,
यानी 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम हो गया 63 माइनस 2 4, है ना, 23 जा 60 एंड 15 4 जा 60 -1/60, इट मींस वी इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो वी भी क्या हुआ, निगेटिव, और वी निगेटिव हो गया इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड ऑफ मिरर इमेज बन रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, निगेटिव आया और लेफ्ट साइड ऑफ मिरर कंकेव में बनता है तो क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। देयरफॉर एट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ये चीजें बन के आ गई, ठीक है। अब आपको मिरर, ठीक है, अब निकालना है क्या, मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू व्हाट, एम इज इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की साइज अभी हमें पता ही नहीं है और मैग्निफिकेशन भी पता नहीं है, तो हम मैग्निफिकेशन पहले निकालेंगे वी बाई यू वाले फॉर्मूले से, -V/U, और v कितना है तो -60, और u कितना है हमारा, u कितना था जी, u इसमें था आपका, ये देखिए u था हमारा कितना, -20, है ना, तो u था -20, हम -20 यहाँ रख देंगे, तो ये माइनस, एक माइनस कट जाएगा, एक माइनस रह जाएगा, और ये हो गया 3, यानी मैग्निफिकेशन हो गया निगेटिव ऑफ 3। और आपको ये भी हमने बताया है कि जब निगेटिव मैग्निफिकेशन आए तो इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है, और जब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आए तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये देख करके कम से कम आपको पता चल गया कि रियल इमेज ही बन रहा है, जो मैं कह रहा था वो सत्य था, सत्य के सिवा कुछ और नहीं था, ठीक है। और अब इमेज का, ऑब्जेक्ट का इमेज निकालें कि सब इमेज का हाइट निकालें, तो ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वी कैन पुट, मैग्निफिकेशन आ चुका है -3 इज इक्वल टू, और हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम नहीं है लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था 6, शायद 6 दिया था ना, देखो हाँ 6 दिया है, ये हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है 6, तो ये 6 दिया हुआ है, ये हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो 6 रख देंगे तो हाइट ऑफ इमेज निकल के आ जाएगा कितना, तो ये हो गया 6 × -3 − 6 × 3 कितना हो गया 18, तो हाइट ऑफ इमेज हो गया -18 सेंटीमीटर। और 18 सेंटीमीटर निगेटिव में हाइट का क्या मतलब हुआ, कि ये बन रहा है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस। सो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज साइज इज 18 सेंटीमीटर विच इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर अवे, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है वो आप समझ रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, जिसमें लिखा होता है सिर्फ कि एक कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर मिरर कैन फॉर्म 3 times मैग्निफाइड इमेज, फाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, व्हाट विल बी
डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर फोकल लेंथ वगैरह नहीं दिया हुआ, ये 3 times लिखा हुआ है मैग्निफाइड इमेज। इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको दिया गया है एम 3 दिया हुआ, एम कितना दिया हुआ है जी, 3। 3 times मैग्निफाइड इमेज का मतलब ये हुआ कि एम जो है वो 3 दिया हुआ। और ये लिखा है कनकेव मिरर, ध्यान रहे कनकेव मिरर है, और 10 centimeter अवे, तो यू क्या होगा कनकेव में 10 centimeter, और वी आपको बताना है कि वी क्या होगा, है ना। तो आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो सीख रखा है, और क्या फॉर्मूला सीखा है मैग्निफिकेशन का, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। सो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे 3 इज इक्वल टू माइनस वी और यू क्या है -10, इसका मतलब हो गया वी इज इक्वल टू 30 centimeter। तो 30 centimeter बनेगा इमेज जो होगा वो 30 centimeter दूर होगा। तो 30 centimeter दूर होगा और कैसा होगा, वी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है वर्चुअल इमेज विल बी, ठीक है ना, राइट ऑफ द मिरर, ठीक है। सो देयरफॉर एन इमेज ऑफ इमेज वर्चुअल इमेज, देयरफॉर वी कैन से वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड, देयरफॉर एन वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 30 centimeter राइट ऑफ मिरर, राइट ऑफ मिरर, ठीक है, मिरर के राइट में ऐसा एक इमेज बनेगा 30 centimeter, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कुछ कर सकते हैं ना, इस तरह से आप कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल आप अपने घर पे करें, किताब में जो भी न्यूमेरिकल है उसको करें, और न्यूमेरिकल करने के पश्चात कोई दिक्कत हो तो आप ला करके जरूर से पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आपने सीखा आज बेसिकली कि f इज इक्वल टू r बाई टू होता है, और 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ये मिरर फॉर्मूला है। साइन कन्वेंशन सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी से सारी बातें निकल के आती है। आप इसको जितना अच्छे से साइन कन्वेंशन को समझ पाएंगे आगे न्यूमेरिकल बनाने में उतनी ही सहूलियत होगी। दूसरी एक बात जो हमने सीखी आज, वो क्या सीखी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या बताता है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली डील करता है टू से अबाउट, टू डिस्क्राइब अबाउट, टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ एन इमेज विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन निकालने का 2 तरीका है, एक हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरा ये होता है मैग्निफिकेशन निकालने का कि माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मानते हैं, नीचे के डिस्टेंस को निगेटिव मानते हैं, यानी हाइट ऊपर की तरफ हो तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ हो तो निगेटिव। और जब रियल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो इसका मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है, जब 1 से बड़ा हो तो इसका मतलब बिगर साइज में बन रहा है ऑब्जेक्ट इमेज, और जब m 1 से छोटा हो तो इसका मतलब है कि स्मॉलर बन रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है, और आप इस पे आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, आज हम आपको होमवर्क देंगे कि आप जा करके और जो हमने असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट से क्वेश्चंस करें, या किसी और किताब से भी जहां से आपकी इच्छा हो उससे क्वेश्चन करें मिरर फॉर्मूला पे बेसिकली, और कोई न्यूमेरिकल 5, 7, 10 कर ले, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इतने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 3-4 हमने कर दिया, 3-4 आप कर लें बहुत है, 5 कर लें तो बहुत है, ठीक है।
इतना किताब में भी दिया हुआ है, मटेरियल में भी दिया हुआ है, किसी और किताब से भी कर सकते हैं। ज्यादा करने का मन करे तो ज्यादा कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय। ठीक है, आज बैठ के आप लोग करें, मोमेंट करें।